नमस्कार। से सही बहुचर्चित पद्मपुर उपनिर्वाचन ये निर्वाचन विजय लाभ पर राज्य तीन प्रमुख दल घमाघोट लड़े चलता जमी जमापड़ा ये आसनटर फलाफल राज्य राजनीति को संपूर्ण भाव परिवर्तित कर रूपातरित कर समीकरण बदल दब कौन पर आलोचना चलता तान दल प्रचार शैली एवं प्रचार नेतृत्व नहीं नेता मान चलन कथबार्ता भाषणबाजी ही स्पष्ट जमापड़ा। साधारणतः कौन सी गत कि वर्षर अनुष्ठित होता कौन सी उपनिर्वाचन मुख्यमंत्री एवं विजु जनता दल सभापति नवीन पटनायक प्रत्यक्ष प्रचार मैदान को ओह्लू नौता बेले पद्मपुर उपनिर्वाचन मैदान को ओह्लैले लोक तीन तीन टी सभा भी उद्बोधन देते विजु जनता दल प्रार्थी को भोट दे जितेप अनुरोध करते भिडियो बार्ता एत गुरुत्व कौन पर पद्मपुर उपनिर्वाचन विजु जनता दल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ये निर्वाचन में विजु जनता दल प्रति हारीगले कौन विजु जनता दल भांगिज ना नवीन पटनायक इस्तफा देवा बाध्य कर विजु जनता दल नेता बाध्य करेंगे ना उत्तराधिकारी बाछिक सन्यास नहीं जब इमती किसी हबार संभावना ना कारण यह एक उपनिर्वाचन एजु जनता दल प्रार्थी हारीगले भी विधानसभा विजु जनता दल संख्यागरिष्ठता कौन सी मात्रा रे प्रभावित हबार ना 2024 पर्यंत नवीन पटनायक मुख्यमंत्री तो निर्विवादीय से रहिबे जे पर्यंत से चाहिचंती 2024 पर्यंत ता पूर्व जदि से निज आड़ू हरिगले से अलग कथा विजु जनता दल सरकार पद्मपुर उपनिर्वाचन जीतिले जे भारतीय जनता पार्टी हो बा कांग्रेस सरकार गढ़ीदे सेमती भी संभावना किसी ना ता सत्वे ये निर्वाचन फलाफल किछिटा प्रभाव पकाइ ओडिशा राजनीति उपर ता मध्य सुनिश्चित ता केमिति मन करंतु एठी विजु जनता दल प्रार्थी जीतिले ताहले कौन हो ना एपर्यंत जहाँ सब चर्चा चली विजु जनता दल को लेकर भितर बहु गोष्ठी नवीन बाबू स्वास्थ्य खराब हो गला सी तुरंत उत्तराधिकारी बाछबे एमती जो विभिन्न प्रकार आलोचना होकर लोकप्रियता कमीगला बीजेडी हार सुनिश्चित ये जो चर्चा गुड़ाक अंत घटे अंत तो पुणी 2024 मसीहा पर्यंत आ गोटे कथा हम जदि जीतिले ताले विजु जनता दल भितर जो गोष्ठी निर्वाचन परिचालन दायित्व थे जो गोष्ठी प्रार्थी चयन दायित्व थे एवं जो गोष्ठी मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री मुख्य परामर्शदाता कौन से बाबूंर अति घनिष्ठ भाव चर्चित होती ईर्षान्वित भी बहुत लोक से भाव आउट बढ़ीज दल भितर असंतुष्ट जो मैंने अंत विरुद्ध असंतुष्ट साइड लाइन होती से मनोबल आगे दुर्बल हो कथार संभावना कि जदि विजु जनता दल प्रार्थी वर्षा सिंह बरिया हारे तेल निश्चित भाव यह दलर आभ्यंतरण समीकरण परिवर्तन कर आभ्यंतरण समीकरण कौन से जो गोष्ठी वर्तमान उत्फुल्लित होते अधिक शक्तिशाली होते बीजेडी प्रार्थी विजय बीजेडी प्रार्थी पराजय से गोष्ठी टी म्लान हे टे विमर्श हे प्रभाव और पतिहारा निश्चित दल भात दल भितर टे क्षुण्ण हबार संभावना अंत अच्छी कारण से गोष्ठी प्रार्थी चयन करोषी निर्वाचन परिचालना कर दलर जावतियों कार्य प्राय से गोष्ठी बहन करवाह कर मुख्यमंत्री को निर्देश क्रम एतद भिन्न ए निर्वाचन फलाफल 2024 विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन पर्यंत आउ कौन प्रभाव पकेब ना कारण दलर संख्यागरिष्ठता विधानसभा अफेक्टेड हबार ना क्षतिग्रस्त हबार ना जहाँ था तहारे गोटे सीट खाली कमिज भी से बालेश्वर गोटे सीट जीती जाइए तेनालीरु प्लस माइनस कैनसल नवीन बाबू मुख्यमंत्री तो नेतृत्व विधानसभा भितर संपूर्ण स्थिर अचल रही रही 2024 निर्वाचन पर्यटन कितु जब भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी प्रदीप पुरोहित से जीतीगले निश्चिंत दलपाई यह एक कौन अति उत्साहवर्धक गोटे टनिक भाई कम दब।
धामनगर विजय पर पद्मपुर विजय भारतीय जनता पार्टी की पुणी थे लड़े मैदान में सक्रिय भूमिका नाक चली आस 2024 पूर्व दलय कर्मी मानी निश्चित पुणी गोटे अपुरंत उत्साह एवं उन्मादना भर्ती करदेव जो उन्मादना 2019 निर्वाचन पर अपेक्षाकृत भाव में अवक्षय होता तलकु तलकु खसुला बीजेपी कर्मी मान मनोबल उत्साह उद्दीपना ता धामनगर निर्वाचन पर्व टे उपरक उठी और पद्मपुर यदि विजय लाभ कै दल निश्चित अधिक उत्साहित हे से कर्मी मैंने अधिक उन्मादित हे दलपाई अधिक संगठित होगा प्रयास करेंगे 2024 साधारण निर्वाचन में कमी दल जित भल फल कर दिगरे निश्चित रणकौशल निर्वाह करेंगे आउ गोटे कथा हम दल भितर जो टी असंतुष्ट किसी को लोक थे बा किसी लोक अधिक संतुष्ट थे किसी लोक साइड लाइन कर दिया जो चर्चा गणमाध्यम होता विरोधी दल तरफ शासक दल तरफ ये होता धामनगर निर्वाचन देखाला से एकजुट हो लड़ते पद्मपुर निर्वाचन देखा जाता से एकजुट हो लड़ते सब नेता मैंने सब तुंग नेता मैंने राज्यर और केन्द्र भी आसिक एकाठी लड़े कर फल जदि जिते भारतीय जनता पार्टी तेल एकता ही बल दलपाई यह प्रमाणित कर जदि एकजुट हो भारतीय जनता पार्टी ये ओडिशा रे एवं तांगर नेता मैंने समस्त एकजुट हो रणकौशल निर्धारण करेंगे निर्वाचन प्रार्थी चयन करेंगे एवं परिचालन मध्यम निर्वाचन प्रचार ठू आरंभ करके अन्य समस्त किसी निश्चित आग को से भल फल आसवर संभावना अच्छी ए पद्मपुर उपनिर्वाचन विजय रु अंत दल ए शिक्षा लाभ कर जोटा कि राज्य राजनीति से मानकर शक्ति संगठन को अधिक सक्रिय और फलप्रसू करवा दिगरे कार्य कांग्रेस कांग्रेस से पकेट भोट थिला गत निर्वाचन 32,000 तापर मोदी माध्यम 31-32,000 पाखापाखि 30,000 भोट धरतु जदि से कांग्रेस दल प्रार्थी सत्यभूषण साहु बजाय रखिपर तक दलपाई ताब एक अद्भुतपूर्व सफलता जदि से किसी पलैला कड़े से बीजेपी नौ बीजेडी नौ कि नौ ताहले ये दलर अवक्षयिष्णु धारा जो अब्याहत रही ओडिशा राजनीति रे ताहा निश्चित आउ थ प्रमाणित हो या बाद ये निर्वाचन फलाफल आउ गोटे सन्देश दब दे फलाफल जहाँ भी हो पूर्व दे गोटे उपनिर्वाचन गोटे आसन रे निर्वाचन लड़ाई केते टंका खर्च करा लोकबल अर्थबल एवं प्रशासनिक कल को व्यवहार करार एक नग्न नमूना हो जाए पद्मपुर उपनिर्वाचन जो थे टंका कारबार है वीडियो चित्र प्रकाश पाला ये दल कर्मी टंका बांटुंट अभियोग कले से दल कर्मी टंका बांटुंट सी अभियोग कले अफिसर मैंने केमी साइड लाइन हो गोटे पक्ष को पक्षपात आचरण कर गोटे दल को समर्थन करम कर पुलिस केमी एकपाखिया निरपेक्ष नुह ये सब निर्वाचन कमिशन भी केमी राज्य सरकार द्वारा प्रभावित होकर उत्प्रेरित होकर भयभीत होकर कौन कारण सरकारी दल समर्थक साजुचा विरुद्ध किसी आक्शन नौना ये नाना आदि अभियोग भितर भारत निर्वाचन किभली भ्रष्ट हो जाती दुर्बल हो जाती प्रभावित हो प्रदूषित हो चित्र पदा को पद्मपुर उपनिर्वाचन जहाँ ये निर्वाचन फलाफल पर अधिक दुर्बल हम सेना सुधारी हेना कारण कौन से राजनैतिक दल से चिंता चेतना चरित्र परिवर्तन करने को उद्यम करूना कि शासन गोष्ठी अफिसर दल चाहूना बर खुण खोजी दुर्बलता खोजिक अधिक भ्रष्ट करने चेषा कर भारतीय निर्वाचन को भारतीय गणतंत्र को यही कथा निश्चित ये फलाफल सहित भी चर्चा को आसब लोक पश गोटे कथा निर्वाचन जना पड़ी जो लोके टिके टिके सक्रिय हवा आरंभ कले जनमत टिके टिके मोड़ बदल आरंभ कला लोके टंका पैसा कारबार को जगुंट गाड़ी घोड़ा को जगुंट ये सब कथा सामना को आसी कि मुष्टिमेय धर पद्मपुर निर्वाचन कथा देखा 257,000 भोट्रु 81,000 भोट 80% 81% भोट पड़ी कह मैंने 2,05,000-10,000 भोट पाखापाखि पड़ी चूड़ांत प्रतिशत आसी ना आसीज कि समय परत भोट पाइले जो जित कैलकुलेशन करी से गणति करी विभिन्न दल
निर्वाचन परिचालना करुछन्ति। 257,000 भोट्रु साधारणतः 70% गत थर 87% होता थर 79.16 होता 2019 79.5 एथरक 80% टपि सारी चूड़ान्त फलाफल अनुसार 81% बा 82% हो पारे। जदि से भोट दल मेरे से हिसाब अच्छे से देखते 257,000 भोट्रु जदि 70% भोट है तेज़े 2,00,000 भोट हम 2,00,000 भोट्रु जिते प्रार्थी अच्छा प्रमुख दल तीन दल तीन प्रार्थी 70,80,000 भोट जे पाइब सी जीति किंतु काले एपट सेपट हम से लक्ष भोट को टार्गेट कराए जो गोटे दल 110,000 भोट भोटर को किणापी पैसा खर्च कर अभोग भी हो लक्षे भोट जे पाइला से जितवाटा प्राय सुनिश्चित एक थर करती भोट पाइबापी जो रणकौशल दरकार माइक्रो लेवल माइक्रो लेवल से कथा विभिन्न दल कर निर्वाचन अन्य एक संदेश बहन कै के माइक्रो स्तर को जाकरी बूथ मैनेजमेंट 319 बूथ को मैनेज कर 40 पाखापाखि विधायक 11 पाखापाखि मंत्री अन्य दल से बहु नेता एवं कार्यकर्ता डेरा पक रोच्च पंचायत अनुसार निर्वाचन के गुरुत्वपूर्ण हो जाए गोटे गोटे दलपाई गोटे आसन जितवापी के गुरुत्वपूर्ण हो जाए से भी एक बार्ता दब पद्मपुर निर्वाचन अन्यथा यह बाहर आउ कौन प्रभाव पकेबार ना मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्थित सुरक्षित अतुट से 2024 मसीहा पर्यंत अच्छा जदि से निज आड़ छाड़े अलग कथा आउ ये निर्वाचन में परास्त हेले विजु जनता दल जे दल में विद्रोह हम ताक दुरंत संभावना से भाई आशंका अंत पक्षे बर्तमान देखा जा 2024 पर्यंत तापर निर्वाचन में फलाफल उल्टि गले कौन होगा कथा कितना स्थिर एवं यार प्रभाव एक पारे बीजेपी मानक जीतीगला पुणी ओडिशा राजनीतिर काय परिवर्तन हो पारे पुणी बीजेपी बीजेडी मध्य मेंट संभावना बासी जाए पारे केन्द्र राजनीतिर आवश्यकता दृष्टि पुणी बीजेपी बीजेडी मिसिकर जदि राजनीति करती कहार अधिक क्षति हे से कांग्रेस दल विचार करवा उचित। धन्यवाद।